गुजर रही है। हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से डॉलर के मुकाबले में रुपया दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है और इन सब चीज़ों की मार हमारे देश के एक आम आदमी को भुगतनी पड़ती है। ऐसा क्यों है कि आज भी भारत एक विकासशील देश है, 75 साल हो गए आज़ादी को, आज भी विकासशील देश गरीब देश माना जाता है। हम सब चाहते हैं कि भारत विकसित देश बने, हम सब चाहते हैं कि भारत अमीर देश बने और हम सब चाहते हैं कि हर भारतवासी, भारत का हर परिवार अमीर परिवार बने। इसके लिए बहुत सारे कदम उठाने की ज़रूरत है, बहुत सारे स्टेप्स लेने की, बहुत सारे एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। हमें बड़ी संख्या में स्कूल खोलने हैं, हमें बड़ी संख्या में अस्पताल बनाने हैं, हमें बड़ी संख्या में बहुत बड़े स्तर के ऊपर बिजली का, सड़कों का, इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना है। लेकिन एफर्ट्स तभी फलीभूत होते हैं जब हमारे ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। एफर्ट्स करने चाहिए, हम सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में एफर्ट्स करते हैं, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि एफर्ट्स कर रहे हैं, नतीजे नहीं आ रहे। उस वक्त लगता है कि अगर देवी देवताओं का आशीर्वाद हो तो एफर्ट्स फलीभूत होने लगते हैं, एफर्ट्स के नतीजे आने लगते हैं। परसों दिवाली थी, दिवाली पे हम सब लोगों ने अपने अपने घर पे श्री गणेश जी और श्री लक्ष्मी जी का पूजन किया। हम सब लोगों ने भगवान से सुख शांति की प्रार्थना की। हम सब लोगों ने अपने अपने परिवार के लिए, देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। हम ये भी देखते हैं कि जितने बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सब लोग अपने अपने यहाँ अपने कमरे में ज़रूर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति लगा के रखते हैं और रोज़ सुबह काम शुरू करने के पहले उनकी पूजा करते हैं। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज़ रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है, गणेश जी जितने विघ्न होते हैं उनको हरने वाला उनको देवता माना गया है, विघ्न दूर करने वाला देवता माना गया है, तो उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर लगनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि सारे नोट बदले जाएं, लेकिन जितने फ्रेश नोट्स छपते हैं, अभी जो नोट्स हैं वो एज इट इज़ रहें, लेकिन जो हर महीने फ्रेश नोट्स छपते हैं वो फ्रेश नोट्स के ऊपर ये शुरुआत की जा सकती है और धीरे 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 करते करते सर्कुलेशन में काफ़ी मात्रा में ये वाले नए नोट आ जाएंगे। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, 85% से ज़्यादा उनकी आबादी मुस्लिम है, 2% से कम हिंदू हैं वहाँ पे, लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर छापी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम कदम है जो कि केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से, केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ कि भारतीय करेंसी के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। अगर इस पर कोई प्रश्न है आपके तो
अभी परसों दिवाली का जब पूजन कर रहे थे तो उस वक्त मन के अंदर एक भाव आया, उस वक्त मन के अंदर एक ये बहुत स्ट्रांग भाव आया कि अगर भारतीय करेंसी के ऊपर अगर ऐसा हो, हम सब लोग पूजन करते हैं, सब लोग भाव से पूजन करते हैं, तो अगर भारतीय करेंसी के ऊपर भी ये हो, मैं ये नहीं कह रहा ये करने से मात्र से केवल अर्थव्यवस्था सुधरेगी, बहुत सारे एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, लेकिन वो एफर्ट्स तब फलीभूत होते हैं जब देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। जैसा मैंने कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम ये नहीं कह रहे इसको हटाओ उसको रखो उसको हटाओ, किसी के भी खिलाफ नहीं है, और जब इंडोनेशिया कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, इसमें किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए, और सबकी समृद्धि की बात हो रही है, सबकी संपन्नता की बात हो रही है, पूरे देश की संपन्नता की बात। जैसा मैंने कहा कि अगर इंडोनेशिया कर सकता है, इंडोनेशिया ने भी श्री गणेश जी को चुना, तो हम भी कर सकते हैं, हमारे देश में भी हो सकता है। और लक्ष्मी जी के साथ, लक्ष्मी जी एक ऐसी देवी हैं जिनको जिनको समृद्धि और संपन्नता की देवी माना गया है। आरोप लगाने वाले तो 100 आरोप लगाएंगे, आरोप लगाने दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप किसी से भी बात कर लीजिए। मैंने पिछले कुछ दिनों में कई लोगों से बात की, सब लोगों को लगा कि ये बहुत अच्छा आइडिया और ये होना चाहिए। मैं कल परसों में उनको एक चिट्ठी लिखूंगा, कल या परसों, और उस चिट्ठी के माध्यम से भी मैं उनसे अपील करूंगा। हम पूरी तरह से तैयार हैं, और इन लोगों ने जितने भी एफर्ट्स किए चुनाव टालने के, गलत तरीके से इन्होंने डिलिमिटेशन किया, बता रहे हैं इस तरह से कर दिया कि बीजेपी का एरिया एक साथ कर दिया, दूसरे वोट एक साथ कर दिया, जो मर्जी कर लेंगे, लेकिन दिल्ली की जनता इनको नकारने वाली है। गुजरात में इलेक्शन अनाउंस होने वाले हैं, माना जा रहा है कि साथ ही में होंगे, ऐसे लग रहा है कि अटेंशन डाइवर्ट ना हो जाए आम आदमी पार्टी पे, ऐसा लग रहा है। ये लोग बहुत सारी कोशिशें करेंगे, जो भी असुरी शक्तियां होती हैं वो सच को दबाने के लिए, ईमानदारी को दबाने के लिए पूरी कोशिश करती हैं। ये सब, जैसे मैंने कहा, ये सब असुरी शक्तियां हैं जो हमारे खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं, और ये जितना मर्जी कुछ कर ले, ये जनता को दबा नहीं सकती। जनता की आवाज़ है, जनता, दिल्ली की जनता ने देखा कि आम आदमी पार्टी को स्कूलों की जिम्मेदारी दी, इन्होंने स्कूल अच्छे कर दिए। आम आदमी पार्टी को अस्पतालों की जिम्मेदारी दी, इन्होंने अस्पताल अच्छे कर दिए। तो अब दिल्ली की जनता कह रही है एक बार इनको सफाई की भी जिम्मेदारी देंगे हम। तो जनता मन बना चुकी है, ये जो मर्जी कर ले, जनता की इच्छा को नहीं दबा सकते, सच को नहीं दबा सकते, ईमानदारी को नहीं दबा सकते। दिल्ली के लोगों ने पिछले कुछ सालों में प्रदूषण के ऊपर काफी काम किया है, काफी मेहनत की है, उसकी वजह से प्रदूषण में गिरावट आई है, ये अच्छी बात है। प्रदूषण बढ़ा नहीं है, अक्सर देखा गया कि जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे प्रदूषण बढ़ता जाता है, ज़्यादा व्हीकल जाते हैं सड़क पे और प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की बजाय कम होने लगा है। ये दिखाता है कि हमारे एफर्ट्स सही दिशा में हैं, उन एफर्ट्स में और तेज़ी करने की ज़रूरत है। सो जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी उत्साहवर्धक हैं, लेकिन हम उनसे सेटिस्फाइड नहीं हैं, अभी हमें और भी बहुत आगे जाने की ज़रूरत है, और हम दिल्ली को दुनिया का सबसे क्लीन एयर वाला शहर बनाएंगे। जनता चुनाव लड़ेगी, आप देखिए।